नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो आपकी 4 पुस्तकें हैं उनमें से हम अर्थशास्त्र पुस्तक का पहला लेसन विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। विकास का अगर साधारण अर्थ हमें अर्थ देखें तो उन्नति, आगे की तरफ बढ़ना, भविष्य के लिए सुधार करना विकास कहलाता है। अगर हम विकास की परिभाषा को अलग तरीके से देखें तो विकास एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है और वही विकास दूसरे के लिए गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बांध बनाते हैं, बांध का प्रयोग हम बिजली बनाने के लिए करते हैं, तो अगर वो बिजली देश के लिए बनती है तो देश का विकास है। अगर वही बांध टूट जाता हो और आसपास के क्षेत्र में जलमग्न कर देता है खेती को, तो विकास किसानों के लिए विनाश का कारण बन सकता है। तो विकास की परिभाषा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगी, लेकिन सिंपल अगर हम विकास के बारे में देखें तो भविष्य में उन्नति की तरफ जाना, तरक्की की तरफ जाना विकास कहलाता है। इस लेसन की जो मेन मेन मुख्य मुख्य बातें हैं वो आज हम रीड करेंगे। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या कहलाता है? आर्थिक विकास से हमारा अर्थ है कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, कि लंबे समय तक एक देश की आय में वृद्धि अगर होती है तो हम उसको आर्थिक विकास कहेंगे। तो ये राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है? राष्ट्र का मतलब एक देश से, आय का मतलब इनकम। तो एक देश में, एक वर्ष में, एक देश में, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का और सेवाओं का मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय को अगर हम जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक देश में, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य और सेवाओं का मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय को अगर हम जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय निकल आती। राष्ट्रीय आय के बारे में हमने पढ़ा कि एक देश में, एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य विदेशों से प्राप्त आय को अगर हम जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय कहलाती है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य से क्या अर्थ है? एक वस्तु की दोहरी गणना नहीं करनी। जैसे हम गेहूं के मूल्य को भी जोड़ दें, फिर गेहूं से आटा बनता है उसके मूल्य को भी जोड़ दें, आटे से डबल रोटी या रोटी बनती है उसके मूल्य को भी जोड़ दें, तो एक वस्तु की दो दो या तीन तीन बार गणना होगी। तो हमें अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ना है, जैसे रोटी बनती है या डबल रोटी बनती है उसके मूल्य का जोड़ प्लस सेवाएं। सेवाएं से अर्थ है जैसे डॉक्टर अपनी सेवा देता है, वो किसी वस्तु का उत्पादन तो करता नहीं, वो अपनी सेवा दे रहा है। अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वकील अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दुकानदार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो उनकी सेवाओं का जो मूल्य है वो, और विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से जो हमें इनकम होती है, दूसरे देशों से हमारे देश में जो आय आती है, पैसा आता है, उसके जोड़ को हम अगर इनके साथ जोड़ दें तो वो राष्ट्रीय आय निकल आती है। अब औसत आय और प्रति व्यक्ति आय। औसत आय, औसत का प्रयोग हम कहां करते हैं? किन्हीं भी दो देशों की तुलना के लिए, किन्हीं दो राज्यों की तुलना के लिए। आप कक्षा में भी अपने अपना तुलना करते हैं एक दूसरे विद्यार्थी के साथ, तो हम औसत का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं। तो औसत आय और प्रति व्यक्ति आय ये किस प्रकार निकलती है? कुल राष्ट्रीय आय को, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे दें तो औसत आय निकल आती है। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार निकालेंगे? एक देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति की आय या औसत आय निकल आती है। मानव विकास रिपोर्ट, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है, वो देशों की तुलना करने के लिए कि कौन सा देश उच्च स्तर पर है, कौन सा देश मध्यम स्तर पर है, कौन सा देश निम्न स्तर पर है। तो UNDP अपनी जब विकास रिपोर्ट तैयार करता है तो किन चीजों को देखता है? और एक विश्व बैंक है,
ये भी दो देशों की तुलना के लिए, दो राज्यों की तुलना के लिए विश्व बैंक भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे और किस प्रकार की अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो भी देखेंगे। तो जो यूएनडीपी है वो अपने मानव विकास रिपोर्ट जब तैयार करता है, यूएनडीपी, तो ये राष्ट्रीय आय या औसत आय, साक्षरता दर, यूएनडीपी और विश्व बैंक किस प्रकार अपनी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो यूएनडीपी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वो तीन चीजों को मुख्यतः देखता है किसी भी देश में, उस देश के लोगों की औसत आय, वहां के लोगों की साक्षरता दर और वहां के लोगों का जीवन प्रत्याशा आयु। लेकिन जो विश्व बैंक है वो केवल औसत आय के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। तो इन दोनों में से यूएनडीपी की रिपोर्ट को सही माना जाता है, क्योंकि ये औसत आय के साथ साथ साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, इन तीनों चीजों को देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। औसत आय हम पहले निकाल चुके हैं कि कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो औसत आय निकल के आती है। साक्षरता दर, उस देश की कितने % जनसंख्या साक्षर है, और जीवन प्रत्याशा, किसी भी देश में लोगों की जीने की एक आयु की सीमा, किस देश के लोगों की जीवन आयु, जीने का जो एक एज है वो किस देश की ज्यादा है, तो जाकर इन तीनों को देखकर यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है किसी भी देश के लिए या राज्य के लिए। विश्व बैंक केवल औसत आय के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो इसको बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने सही नहीं माना, क्योंकि औसत आयु तो किसी भी देश की ज्यादा हो सकती है, लेकिन उस देश की क्या साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा कम हो तो ये एक सही पैमाना नहीं माना गया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, केरल का और पंजाब का। पंजाब के लोगों की औसत आय केरल के लोगों से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम मानव विकास सूचकांक में सीरीज में नंबर में अगर केरल को देखें तो पंजाब से बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि केरल के लोगों की साक्षरता दर पंजाब से बहुत ज्यादा है, जीवन प्रत्याशा केरल के लोगों की पंजाब के लोगों से ज्यादा है, औसत आय बेशक कम हो केरल की पंजाब से, लेकिन इन दो साक्षरता दर में और जीवन प्रत्याशा में केरल बहुत आगे है, इसलिए केरल को हम पंजाब से मानव विकास सूचकांक में ऊपर रखेंगे। अब बात आती है शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु का अर्थ क्या है, एक साल से कम आयु के बच्चे, और मृत्यु दर मतलब एक रेट मरने की सीमा, फिर हम जन्म दर और मृत्यु दर को करेंगे। शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों के पीछे जो एक वर्ष से कम आयु के हैं उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। एक देश में एक वर्ष से कम आयु के जीवित बच्चों के पीछे मरने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जन्म दर, एक देश में एक वर्ष में कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर, एक देश में 1000 के पीछे कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दर कहलाता है। यहाँ पर सभी की संख्या को हम देखेंगे मरने वाले की, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो। जन्म दर, पैदा तो बच्चे होंगे, यहाँ पर बच्चों की संख्या को देखेंगे 1000 के पीछे कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, और शिशु मृत्यु दर में केवल शिशु को लेंगे, जो एक वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 1000 जीवित बच्चों के पीछे कितने बच्चे मर जाते हैं, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अब बात आती है धारणीय विकास। इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है धारणीय विकास। धारणीय विकास से हमारा अभिप्राय है, विकास को हम समझते हैं कि उन्नति की तरफ जाना, प्रगति की तरफ जाना, आगे की तरफ बढ़ना, विकास कहलाता है। लेकिन धारणीय विकास का अर्थ क्या है, धारणीय विकास का अर्थ है कि हमें विकास को इस प्रकार लेके जाना है, प्रगति इस प्रकार करनी है ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न हो, आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान न हो, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हुए हमें हमारे संसाधनों का प्रयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का सही ढंग से यूज कर सके। जैसे आज हम
पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ये धार्मिकता का विकास नहीं है। हमने तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में हमने नहीं सोचा। तो धार्मिकता विकास यही कहलाता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करना धार्मिकता विकास कहलाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो ये चीजें मिली हैं, ये आने वाली पीढ़ी से हमें उधार में मिली, हमको एडिट ऐसा कैसा देना है। तो इस प्रकार हमने हमारे विकास को आगे लेके जाना है कि अब प्रकृति को भी या पर्यावरण को भी नुकसान न हो और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए। संसाधन, जो भी वस्तु हमारे लिए प्रयोग में आती है वो हमारे लिए संसाधन कहलाती है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, हम इसका यूज करते हैं, ये कमरा है, हम इसका यूज करते हैं, मार्कर है, ये पेड़ पौधे हैं, जिन भी चीजों का हम यूज करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। संसाधन दो तरह के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें उपहार के रूप में मिले हैं, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, जिनका हम यूज करते हैं। नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ है, पौधे हैं, ऑक्सीजन है, हवा है, तो ये हमारे लिए प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिए हैं, बहुत ही बहुमूल्य है, इनका हमें देखभाल के प्रयोग करना चाहिए। मानव निर्मित संसाधन, नाम से ही पता चलता है, मानव के द्वारा निर्मित जो संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, रूम है, बेंच है, आपके पास रखी हुई जो भी वस्तु मानव ने बनाई है वो मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद आता है नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद उनका दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घरों की छतों पर देखा होगा अपने सोलर ऊर्जा है, उनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो समाप्त नहीं होते। और गैर नवीकरणीय संसाधन वो है जिनका एक बार हमने प्रयोग कर लिया और वो दोबारा से जिनको बनने में या समय लगता है या फिर वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, हम इनका एक बार प्रयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं, ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। परी प्लस आवरण, हमारे आस पास का जो वातावरण है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, वातावरण है, वो पर्यावरण कहलाता है। और प्रदूषण से तात्पर्य है इस वातावरण के अंदर अवांछित पदार्थों का मिल जाना, जैसे उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा करकट है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, इन पदार्थों का मिल जाना जो वातावरण को दूषित करते हैं वो प्रदूषण कहलाता है। तो हमें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रदूषण पर रोक लगानी होगी, तभी जाकर हम धार्मिकता विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो विकास वांछित पदार्थों का मिल जाना, चाहे वो उद्योगों से नहीं, पर्यावरण से अभिप्राय है। परी प्लस आवरण, हमारे आस पास का जो वातावरण है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, वातावरण है, वो पर्यावरण कहलाता है। और प्रदूषण से तात्पर्य है इस वातावरण के अंदर अवांछित पदार्थों का मिल जाना, जैसे उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा करकट है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, इन पदार्थों का मिल जाना जो वातावरण को दूषित करते हैं वो प्रदूषण कहलाता है। तो हमें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रदूषण पर रोक लगानी होगी, तभी जाकर हम धार्मिकता विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो विकास है उसके ऊपर हमारा लक्ष्य फिर केंद्रित हो सकता है। तो इसलिए हमें पर्यावरण को बचाते हुए, प्रदूषण पर रोक लगाते हुए, हमारे वातावरण को बचाते हुए विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। धन्यवाद। जय हिंद।